राखी है तो हम भला टीवी के मोस्ट क्यूटेस्ट सिबलिंग को कैसे भूल जाए। और हमारे साथ हैं मिहिका और मिशकत। तो मिहिका कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है, कितने गिफ्ट्स लेने वाली हैं आप राखी के? आई डोंट अंडरस्टैंड एक्चुअली, नो नवीन, राखी इज़ नॉट अबाउट गिफ्ट्स, ऐसे मुझे लगता है। और इट्स अबाउट रिमाइंडिंग ईच अदर कि यू नो अगर कहीं ना कहीं हम डीले पड़ गए हो अपना लव एक्सप्रेस करने में, या बहुत टाइम से एक दूसरे को आई लव यू नहीं बोला हो, तो ये वो दिन है जब कंपल्सरीली तुम्हें बोलना है और फील करना है और एक दूसरे को स्पेशल फील कराना है। इट्स नॉट रियली अबाउट गिफ्ट्स। और एक्चुअली अब मैं आउट ऑफ वर्क भी हूं, तो आई थिंक आई कांट अफोर्ड टू बाय हर अ गिफ्ट। रियली? या। ओके मीका, कोई ऐसी मेमोरी आपकी राखी की जब मिशकत ने, मतलब आप बहुत ज़्यादा मिस करी हो मिशकत को, या फिर कुछ ऐसा जिस दिन जो उन्होंने बहुत ऐसे, बेसिकली भाई बहन लोग बहुत परेशान करते हैं भाई बहनों को, तो कोई ऐसी मेमोरेबल डेज या राखी का कोई दिन? एक्चुअली इसे मुझे परेशान इतना नहीं किया जितना मेरी बाकी की बहनों को किया है। एक्चुअली मेरी एक बहन है निकी, और वो मिशकत से आई थिंक बहुत, आई थिंक एज मच एज मी और मे बी मोर देन मी प्यार करती है। और मुझे याद है मिशकत छोटा था तो उसने मिशकत को फोन किया था कि मिशू राखी, मिशका गिफ्ट क्या चाहिए? उल्टा, मतलब आई हैव टू आस्क हर, शी इज कॉलिंग मी अप, मिशका गिफ्ट क्या चाहिए? उनको दो घंटे बाद फोन कर सोच के बताता हूँ। और इस बार भी हम सब बहने जाएंगी, सिर्फ निक्की ही मिशकत के लिए गिफ्ट लेके आई। ओके, तो मिशकत ये बताइए कि बीइंग इन अ बिजी स्केड्यूल, मतलब कभी ऐसा हुआ कि आपने राखी मिस किया या फिर कुछ ऐसा? दैट इज इम्पॉसिबल। अगर मेरा जितना भी बिजी शेड्यूल हो, मैं मीका के लिए मतलब छोड़ के आ जाऊंगा, इट्स इम्पॉसिबल दैट आई मिस राखी। अच्छा, तो मीका कोई ऐसा, मतलब कुछ ऐसी मेमोरी आप अगर शेयर करना चाहो जब मतलब मिशकत आपके साथ थे राखी पे एंड और भी बहुत सारे सिबलिंग्स आए हों, कुछ ऐसा? ये आई थिंक हर साल हम फैमिली गेट टुगेदर ही करते हैं, साथ में ही करते हैं। और लास्ट ईयर भी किया था, राइट मिशकत, यू हैड कम लास्ट ईयर? ऑफ कोर्स। तो नहीं, लास्ट ईयर एक्चुअली क्या हुआ था, वो शूट के लिए निकल रहा था तो मेरी सारी बहनें सुबह सुबह आ गई थी, और हर राखी पे हम सारी बहनें मिशकत को बहुत टीज करती हैं। यूजली टॉपिक होता है लड़कियाँ, और हम उसको चिढ़ाती हैं और वो कुछ नहीं बोलता, वो बेचारा चुपचाप सुनता है। और एंड में हम हमेशा वेट करती है कि मिशकत हमें साष्टांग प्रणाम करके हमारा आशीर्वाद लेगा, और आई थिंक वो मोमेंट है जो हम सारी बहनें एक दिल भर जाता है, यू नो यू गेट ओवरवेल्म्ड, कहते हैं ना कि वो बच्चा अभी भी उसमें इतने यू नो वो लव है हमारे लिए, रिस्पेक्ट है, तो वो जब वो साष्टांग प्रणाम करते हैं तो आई थिंक हम सब ऐसे हो जाते हैं कि ओह माय गॉड, ये इतना प्यारा बच्चा है वो, दैट्स द थिंग। विश्वास नहीं करता बिल्कुल भी, बट मीका मेरी बहन है, मेरी बाकी बहनें हैं मेरी, तो आई थिंक मुझे अच्छा लगता है ये करना। आई फील कि मैं उन्हें रिस्पेक्ट दे रहा हूँ ये करके, एंड आई जेन्युइनली लाइक डूइंग इट, मजाक की बात नहीं है, जेन्युइनली लाइक डूइंग इट। अच्छा मीका, हमारे पास आपका बचपन का पिक्चर भी है जो कि आप कैमरे पे जो कि कैमरे पे दिखा सकती हो, तो कोई ऐसी मेमोरी इतनी छोटी की आप अगर शेयर करना? हाँ, मैं एक मेमोरी आपको मिशकत की बताऊंगी। जब बचपन में ना मैं बहुत ही स्वीट बच्ची थी, और ये बहुत बड़ा शैतान, और वो शैतान भी ना बोलने वाला नहीं, साइलेंट। तो मेरी मासी एक बार घर आई थी, और मासी ने कहा था कि तभी वो कोक और लिमका के ना ग्लास बॉटल्स होते थे छोटे वाले, तो क्रेट लेके आए थे पापा, तो एक ही बचा था, तो मासी आई थी तो मासी को तो ऑफर करेंगी ना, तो एक ही था, और उसकी नज़रें उस पर ऐसी थी, तो मम्मी समझ गई कि इसको चाहिए, तो फिर वो लेके आए ग्लास बॉटल, और मासी ने बोला मिस यू कैन हैव अ सिप, उसने एक सिप लिया, मासी ने गुस्सा आया, बालकनी में जाके बॉटल नीचे फेंक दी। आई टोल्ड हर इफ आई वाज सिप मैं तोड़ दूंगा इसे। अच्छा, शी हैड तोड़ा मैंने। और ये बात आज तक है, मिशकत हेट्स शेयरिंग हिज फूड,
I don't like sharing food. Yeah. Friends mein jo hi hai na, like that he is. He hates sharing food. Zabardasti she used to take my food, my butter chicken. I used to hate her for that. Dil se mere itni bakwaan kahi. Imagine, aaj bhi jab hum restaurant jate hain. Call for your food. Why you want to share food? Just call for what you want to eat, na. Exactly. जब बाहर जाते हैं तो चाइनीज कुछ मंगाते हैं तो मम्मी मैं मंगाएंगी उतना जिसमें हो जाएगा, वेस्ट नहीं होना चाहिए. और फिर मम्मी को कुछ देखियो, मम्मा आई एम वार्निंग यू, अगर मुझे कम पड़ा. अरे भूख लगती है यार, क्यों नहीं खाऊं मैं? चलो अभी तक नहीं बदला. चलो इसी के साथ हम आपके राखी का मिस नहीं करेंगे और हम वो स्टार्ट करते हैं. तो क्या प्लान है आपके राखी के इसके बाद के? राखी आई थिंक हम लोग सब मिलेंगे रात को, वी आर गोइंग टू गो फॉर डिनर. या वी लीट आई विल पे द बिल पटका वहां पे. नॉट जस्ट जोकिंग. एंड वी आर वी नॉर्मली इट्स अ वेरी बैड हैबिट, हम कजन्स इतना मिलते नहीं है, बट राखी के दिन हम जरूर मिलते हैं. या व्हेन वी मीट वी हैव अ गुड टाइम, वी टॉक अबाउट ईच अदर्स लाइव्स. या व्हेन हु इज गोइंग टू गेट मैरिड एंड व्हेन शी इज गोइंग टू गेट मैरिड. And when I'm, I though I think next month shadi ho rahi hai meri. And so yeah, ye sab baatein chal rahi hain. मेरा शादी की बात आई हो तो हम लोगों ने देखा कि YHM में मतलब एक आप ही बच गई हो, तो मतलब क्या कहना है उसमें आपको? आज आप बोल ही दो सारे व्यूवर्स को कि प्लीज मेरी शादी करा दो. रियल लाइफ की नहीं नहीं टी YHM में है. YHM मेरी शादी एक बार हो चुकी है. हां आई एम अ डिवोर्सी. हां आई नो. या नॉट अ डिवोर्सी यार, आई एम नॉट डिवोर्स्ड येट, आई एम स्टिल लेट टू डिवोर्स अशोक. अशोक सो आई थिंक YHM में मेरी शादी पता नहीं कब होगी. कभी कभी मुझे लगता था कि यू नो मेरी शादी, जब मेरी शादी पहली बार ये मामले में हुई थी, मुझे यार मेरी ऑन स्क्रीन शादी पहले हो गई. अब जैसे चल रहा है मुझे लगता है मेरी ऑफ स्क्रीन शादी पहले हो जाएगी. पता नहीं कब शादी होगी मेरी. शादी हो चुकी है ऑन स्क्रीन. या एक स्वागत भी हो चुका है. बट यू नो बेस्ट इज सिंगल रहना. और मैंने अपने क्रिएटर्स को बोला था मुझे सिंगल रखना YHM में, द ऑलवेज एलिजिबल गर्ल इन ये है मोमेंट. चलेगा. ओके जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूवर्स से क्या कहेंगे? बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मेहका और मिशकत का रक्षाबंधन आप कब कर रहे हो, कब कर रहे हो, तो फिर बता दीजिए. टेली मसाला के सारे व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी तरफ से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर सारी बहनों से कि अपने भाई को ऐसे पकड़ के किसी देना और उसे कहना कि आप उससे कितना प्यार करते हो और फिर से झगड़ा करना शुरू कर देना. क्या कहेंगे आप? मिस इंडिया टाइप आंसर देती है ये. कौन मिस इंडिया टाइप? प्लीज. एनीवे आई वुड जस्ट से दैट हां अपनी बहन से बहुत प्यार करो. शी इज द बेस्ट फ्रेंड यू कैन हैव. एंड अपनी लाइफ टाइम में मैक्सिमम अपनी बहन को ही जानोगे एंड मोर देन योर पेरेंट्स. एंड ट्रीट योर एल्डर सिस्टर लाइक अ सेकंड मदर, यू विल फील लकी. थैंक यू मेहका एंड हैप्पी रक्षाबंधन आपको. आपको भी मिशकत हैप्पी रक्षाबंधन. कैमरा पर्सन परेश के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, टेली मसाला.